हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी ने सारी की सारी मनोस्थितियाँ देख ली है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इस बीच में आपको बता दूँ कि आप लोग जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना यूट्यूब देख के, तो वहीं वो लोग कमा रहे हैं। मतलब एक व्लॉग, दो व्लॉग, 50 व्लॉग, 60 व्लॉग, कोई अनलिमिटेड व्लॉग वो लोग बना रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं यहाँ बात कर रही हूँ सचिन मनीषा के बारे में। जी हाँ, उनके व्लॉग्स कंटिन्यू आ रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल तनिक भी शर्म नहीं है कि यार वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, बट उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। ओवरऑल वो अपनी वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले क्या है क्या नहीं है, सब कुछ हो, कुछ ही हो कुछ ना हो, बट उनको एक वीडियो बनानी ही बनानी है। यहाँ पर मैं ना कपड़े तय करते करते वीडियोज़ बना रही थी अपनी, तो मैं जब आप मेरे कपड़े तय हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, पहले आपसे बात कर लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि उनको अपनी वीडियोस बनानी ही बनानी है। तो देखो, वीडियो बनानी है बनाओ, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा यार सामने वाले की मर्यादा भाषा का यूज़ करो। आप लोग वीडियोस बना रहे हो, आप कमाई कर रहे हो, बट हम लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं कि क्या हुआ था मैसूर में, क्या हुआ था उसमें, क्या हुआ था। आप तो सस्पेंस क्रिएट करके ऑडियंस को मतलब झटका दे के जा रहे हो यार एक तरीके से, दैट्स नॉट फेयर। ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा इनफ। और मैं तो बस एक ही बात कहूँगी कि आप लोग जो कर रहे हो ना बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा मनीषा जो बॉल बोल रही है कि उस लेडीज़ ने ये किया, उस लेडीज़ ने किया, तो यार अपने पति का भी थोड़ा सा कसूर देखो, आपके पति का भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कसूर रहा होगा। और अगर हम बात करें नेहा आशीष तिवारी की, तो उन्होंने आया, वो अपने एक वीडियो शेयर किया था उन्होंने, उसमें आके उन्होंने बोला कि मैं सॉरी मांगती हूँ, मैं सॉरी फील करती हूँ। तो देखो, ऐसे सॉरी फील करने से कोई सॉरी फील नहीं होता। वो ऑडियंस के साथ आप लाइव ज्वाइन करो, लाइव के साथ आप कनेक्ट करो, ऑनलाइन मुद्दा सॉल्व होगा, ऑफलाइन आप कर लोगे कोई बात नहीं, बट ऑनलाइन जब तक सारी भड़ास नहीं निकल जाएगी ना सचिन की, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि सचिन ने पहले पहले साफ साफ शब्दों में बोला है, कुछ सटीक बातें मैं आपको बता दूँ, सचिन ने बोला है कि मैं आपको जब तक मैं सारी की सारी करतूतें सामने नहीं ले आऊँगा, मेरे चैन को मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मैं मतलब यार डिप्रेस्ड हो जाऊंगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा वैसे हो जाऊँगा, कोई बात नहीं जो भी हो ना हो जाओ, बट एटलीस्ट यार इतना तो ध्यान रखो ना कि मतलब सामने वाले की थोड़ी बहुत देखो। आपने जो प्राइवेट चैट लीक की उसके बहुत ज़्यादा मतलब गलत इफेक्ट पड़ा, पूरी सोशल मीडिया हिल चुकी है उस एक चैट के थ्रू। तो आप लोग को भी सोचना चाहिए थोड़ा सा कि क्या हुआ है कैसे हुआ, बट आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे हो। मैं आपको बता देती हूँ, इनके जो लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं ना, देखो मनीषा ने सबसे पहला वीडियो डाला था उसमें 27 लाख व्यूज़ गए, 27 लाख व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो यूट्यूब होता है ना 1000 सब्सक्राइबर्स के देता है, 1000 व्यूज़ के काफ़ी अच्छे खासे रुपए दे देता है यूट्यूब, आपको भी पता है। जब यूट्यूब 1000 व्यूज़ के इतने रुपए दे रहा है, सॉरी ये कनेक्ट डिसकनेक्ट हो गया था, जब 1000 व्यूज़ के इतने अच्छे खासे रुपए दे रहा है, तो आप लोग सोचो यार मतलब इतने सारे इनके तो व्यूज़ जा रहे हैं लाखों में करोड़ों में, मतलब कितने रुपए दे रहा होगा। और वहाँ पे मैडम जी बोल रही है कि जगह दीदी जिसे आप लोग बोलते हो, वो वहाँ पे बोल रही है कि हमने मैं एक सेकंड होल्ड करती हूँ इस लाइव को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जगत दीदी के बारे में। तो देखो, उन्होंने भी बोला कि मैं अपनी सगाई से मतलब CH टाइप बोल के कुछ कि मैं अपने लाइफ से मतलब अपनी सगाई से 15 लाख रुपए कमा लूँ। तुमने 15 लाख रुपए कमा लिए, बट यार सारी की सारी अंदर की बातें तुमने उस सचिन को क्यों दी? सचिन को तुमने सारी बातें देखी, सबसे बड़ी गलती क्या आई थी? सो बिकॉज क्या है ना, सचिन सारी बातें अच्छे से सुन ली, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है कहीं ना कहीं, सही में ब्लैकमेल कर रहा है, एक एक बात ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाल रहा है। अब देखो, वो लोग भोपाल जाएंगे, भोपाल जाके क्या रहता है क्या नहीं रहता, कैसे क्या रहेगा, सबको हमारे सामने शायद ना आए कुछ बातें। और एक बात, सुमित महल और मनीषा यहाँ पे विक्टिम बताए गए हैं कि ये दोनों को ही सफ़र करना पड़ रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, नेहा आशीष तिवारी को भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, उनकी फैमिली जो है, उनके भाई भाभी। और हाँ, सचिन ने ना ये बोल रहे थे कहीं बात कि सचिन ने ये भी बोला था, मैंने सुना था कि आप लोग शोभा को, उनके घर का सबसे तेज शख्स शोभा, शोभा नोटी है, चंचल है, तुम्हें बड़ के पापा वगैरह बोलते, जब तुम्हें वो तेज़ नहीं लगी आज तुम्हें वो तेज़ लग रही है, क्यों क्या कारण? क्योंकि वो स्पष्ट बोलती है, साफ मुंह पे बोलती है, तुम्हारे मुंह पे थूक दिया किस लिए, तो इतना मत बोलो तुम। सचिन ऐसे बोलते हैं, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, कारण आपको पता है कि कारण देखो जो भी रहा होगा, बट सामने वाले को जब शोभा ने उनसे बात की तो उन्होंने अच्छे से बात नहीं की थी सचिन ने, तो नेहा आशीष तिवारी बोला मेरे भाई भाभी से माफ़ी मांगो। देखो, उनको भाई भाभी की मेहर आई वहाँ पर, बिल्कुल मेहर आई। तो मेरा यहाँ पर जो कहने का मतलब वो ये ना कि
जो भी घुमा फिरा के हो रहा है। और सबसे पहले अच्छी बात है, मुझे सबसे अच्छा रिएक्शन वीडियो किसका लगता है सोचो आप किसका हुआ? टॉक विद अल का। ठीक है मैं बताती हूँ, अर्थ मोम देहरादून। जी हाँ, अर्थ मोम देहरादून का मुझे सबसे अच्छा रिएक्शन वीडियोज़ लगता है, क्योंकि कारण क्या है ना, वो सटीक शब्दों में बिल्कुल अपने भाषा में सभ्य शब्दों का यूज़ करते हुए वीडियोज़ बनाते हैं। आज से मतलब 3-4 मैं कब की बात है, मैं एनालॉजी इनका ओल्ड वीडियो देख रही थी, मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने ओल्ड वीडियो देखा ना उनका, मतलब इतना अच्छा लगा यार शुरू से ही वो बंदी। हाँ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रही है अपने आप को, करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। बट जो वो स्टार्टिंग से ही एक अच्छे मैनर्स के साथ, एक अच्छी सभ्यता वर्ड के साथ, सभ्य वर्डों के साथ यूज़ कर रही है अपनी भाषा का, तो कितना अच्छा लगता है सोचिए। यूट्यूब का कचरा साफ करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल बोले तो देखो, आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाती है, बट उसमें कहीं भी इतना सा भी, मैंने आज तक सही बोल रही हूँ, मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाती हूँ, वीडियो को ऑन करती हूँ और कहीं भी जाके वीडियो को सुन लेती हूँ, अपने काम करते करते वीडियो को सुनती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने भाषा को अच्छे से मेंटेन करके फिर बात करती है। सुमित महल खुद, हालांकि उन्होंने एक वीडियो डाला था, मैंने देखा अभी अभी जस्ट वो देख के आई थी मैं, तो उन्होंने वीडियो डाला हुआ था अर्थमम देहरादून ने कि देखो सभी अपने अपनी साइड से बता रहे हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, बट आपको यहाँ पे एक बंदे की तरफ देखना चाहिए, वो है सुमित महल और ये मनीषा जो है, दोनों विक्टिम बताए गए यहाँ पे उनकी तरफ से। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो सुमित जी हैं उनकी फैमिली के बारे में उनको क्या रहेगा। तो इस चीज़ पे उन्होंने, सुमित जी ने कमेंट करा कि थैंक यू अर्थ मोम देहरादून, आपने मतलब इतना अच्छा वर्क किया, हमारे लिए भी सोचा आपने। मतलब सोशल मीडिया वाले बंदों को तो सभी देखते हैं, बट जो बिहाइंड द सीन है ना, बिहाइंड द कैमरा की बात करते हैं आज हम, बिहाइंड द कैमरा आपने हम लोगों के बारे में सोचा, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तो हमारे बारे में सोचा, कि हमारी फैमिली को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, वो सब यहाँ पे हो गया। तो जब ये सब अर्थ मोम देहरादून ने ये सब सुना तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कि अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये बात सुन के। उनके मतलब यार वीडियोज़ होती है ऐसे यार, दिल को टच कर जाते सही में। देखो किसी के पसड़े में पड़ना, गाली गलौज करना, सामने वाला गाली गलौज करेगा, ऐसे तो यार लाखों में सब्सक्राइबर तुम कभी भी ले लो, बट अर्थ मोम देहरादून के जो सब्सक्राइबर्स है ना वो जेन्युइन है। देखो मैं वीडियो कहाँ से लेके आई थी, कहाँ पे पहुँचा दिया, कारण क्या है, कारण एक है गाइस कि एक मिनट कॉल आ रहा है।